वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू द आई एफ एस इंडिया वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जी ट्वेंटी आपको पता है जी ट्वेंटी हमारा इंडिया होस्ट कर रहा है इस पर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का तो ये जी ट्वेंटी क्या है क्या ये करता है इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्रेहेंसिव सेशन होने वाला है तो आपको एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में आपको G20 के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा और जो करंट में चल रहा है आज तक का अभी नाइन्थ सितंबर है अभी चल रही है मीटिंग्स तो जो भी अपडेट्स लेटेस्ट हैं वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड करने का ट्राई किया है तो बेसिकली लेट स्टार्ट दैट दीज आर द ट्वेंटी कंट्रीज ओके कैनेडा कैनेडा यूएस मैक्सिको ब्राजील अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका यूनाइटेड किंगडम फ्रांस, रशिया चाइना कोरिया जापान इंडोनेशिया यूरोपियन यूनियन तो ये सब मिलकर जी ट्वेंटी का निर्माण करते हैं ओके ये है अपने जी ट्वेंटी के कंट्रीज अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल है बोनो एरेस। ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है कैनबेरा ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया कैनेडा की ओटावा चाइना की बीजिंग फ्रांस की पेरिस जर्मनी की बर्लिन इंडिया की न्यू दिल्ली, इंडोनेशिया की जकार्ता, इटली की रोम जापान की टोकियो मेक्सिको की मेक्सिको सिटी रशिया की मॉस्को सऊदी अरेबिया की रियाद साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल्स हैं ओके केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है प्रिटोरिया दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एंड ब्लॉमफेंटन दिस इज थर्ड कैपिटल दिस इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका तो आप तीनों की बजाय अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई तो आपको बोलना है कैपटाउन कैपटाउन इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका फिर आता है साउथ कोरिया इसकी कैपिटल है सियोल तुर्की की अंकारा यूनाइटेड किंगडम लंदन यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी एंड फिर बाद में यूर, यूरोपियन यूनियन की कोई वैसे कैपिटल नहीं है खूब सारे नेशन इसके अंदर होते हैं तो दीज आर आवर जी ट्वेंटी मेंबर्स इनके फ्लैग्स के साथ में आपके सामने हैं ये है हमारे यू, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो भी हैं आयरलैंड लगजमबर्ग पुर्तगाल खूब सारे कंट्रीज हैं स्वीडन लाटविया ये सारे के सारे कंट्रीज जी ट्वेंटी का पार्ट है ठीक है ना ओके चलो ना ग्रीस आ, सिप्रस ऑस्ट्रिया पोलैंड डेनमार्क ये सारे कंट्रीज ईयू के मेंबर है और ईयू के मेंबर अभी कौन नहीं है यूके यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है वो एग्जिट कर गया था तो वो अभी मेंबर नहीं है ब्रेग्जिट होने के बाद में एंड हर बार क्या होता है जो भी जी जैसे 2023 का जो सबमिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंडिया जब होस्ट करता है तो कुछ गेस्ट कंट्रीज बुलाता है मतलब इंडिया नहीं कोई भी कंट्री जो भी होस्ट करता है जी को तो वो अपने हिसाब से जो है गेस्ट कंट्रीज बुला सकता है तो हमने इस बार बांग्लादेश इजिप्ट मॉरिशस नेदरलैंड्स नाइजीरिया ओमान सिंगापुर स्पेन और यूएई ठीक है ना इनको हम लोगों ने बुलाया UA, इसमें छुप गया पीछे कोई बात नहीं स्पेन एंड यू इन कंट्रीज को हमने बुलाया है इनविटेशन के तो ये परमानेंट मेंबर्स नहीं है दीज आर नॉट द परमानेंट मेंबर्स दीज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ जी ट्वेंटी तो जी ट्वेंटी जो है वो एट्टी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और सेवेंटी फाइव ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन सारे कंट्रीज में आपके सामने जो ये है सारे के सारे कंट्रीज इनके अंदर होता है और टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड इन दीस जी ट्वेंटी कंट्रीज दो तिहाई जनसंख्या इसके अंदर निवास करती है ठीक है? है, है और ये कैसा फोरम है एक ऐसा फोरम है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए के लिए एक फोरम है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए ग्लोबल आर्किटेक्चर को शेप देने के लिए प्लस गवर्नेंस और ऑल मेजर इकोनॉमिक इश्यूज मतलब सारे के सारे जो अपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनको गवर्न करने के लिए तो ये इसका मेन पर्पज है ये 1999 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जैसे इन्वायरमेंट का क्लाइमेट की चीजें भी इसमें आ रही है और इंटरनेशनल जो कंफ्लिक्ट होते हैं वो भी इसमें धीरे धीरे इंक्लूड किए जा रहे हैं इसके एक्सपेंशन की भी मांग हो रही है ओके okay? इंडिया ने इस बार ये कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को जो है परमानेंट मेंबर बनाया जाए जी ट्वेंटी कंट्रीज का ओके okay? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके देखो तीन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर्स ये सारे जो मेंबर्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ओके जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके दूसरा है फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो भी फाइनेंस ये जो फोरम बना था ना ये इनफॉर्मल फोरम है और ये फाइनेंशियल क्राइसिस 99 अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये हुआ था था किस तरह से आया था? तो फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए और जो उससे रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल रेगुलेशन को प्रोमोट करना तीसरा है नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक् आर्किटेक्चर उसको बनाना ये इसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ओके अब जी आया कब और क्यों आया देखिए 1991 के अंदर यूएसएसआर ये सारे कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के मेंबर्स थे पहले ये 1991 के अंदर फेल हो गया ठीक है गिर गया ये है ना खत्म हो गया जैसे ये यूएसएसआर खत्म हुआ आपको पता है जो कोल्ड वार चला हुआ वा आ रहा था वर्ल्ड वार टू से लेकर 1991 तक यूएसए के साथ में यूएसएसआर का वो खत्म हो गया ओके उसी टाइम पे क्या हो रहा था ब्राजील चाइना एंड इंडिया दीज थ्री कंट्रीज वर इमर्जिंग कंट्रीज और इनको क्या कहा गया इनको ग्लोबल साउथ कहा गया क्योंकि पहले जो साउथ अपना एशिया था वो बड़ा ही अंडर डेवलप्ड था डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग आते थे बट ये जो तीन कंट्रीज थे इन्होंने पूरा सीनेरियो चेंज कर दिया और उसके बाद में ये एक नीड थी रिफॉर्म होने की कि हम लोगों को कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा और इन कंट्रीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा पहले सिर्फ जी सेवन कंट्रीज थे वो वर्ल्ड बैंक था वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे जो ये इमरजेंट ग्लोबल ऑर्डर है चाइना ब्राजील इंडिया जो इमर्जिंग जो इकोनॉमीज थी उनको डब्ल्यू जो वर्ल्ड बैंक और जी सेवन कंट्रीज है जो मेजर मेजर कंट्रीज थे वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो इसके लिए हमको एक नया फोरम जरूरी था जहां पर ये कंट्रीज भी हूं ब्राजील और इंडिया भी हो और चाइना भी हो ठीक है तो इसकी भूमिका बन रही है धीरे धीरे अब देखो और आगे क्या हुआ 1991 के बाद में 1997 आ गया 1997 में क्या हुआ क्या एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस उन्नीस सौ 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, गया। उसकी वजह से क्या हुआ ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमीज थी कौन सी साउथ कोरिया सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड एंड फिलीपींस इनको इतना ना टाइट स्लैप मिला इनको इतना झटका मिला कि ये सारी की सारी इकोनॉमी तबाह हो गई आप देखो ये 1998, 1990 की है। सारी की सारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो माइनस दिख रहा है माइनस के अंदर जीडीपी चली गई इनकी जो इकोनॉमी इस तरह से त्रस्त हुई और इसका जो शॉक्स थे वो कहां तक पहुंचे वो लैटिन अमेरिका तक लैटिन अमेरिका जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां तक पहुंचे अभी क्या हुआ ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइस था बिकॉज ये इमर्जिंग इकोनॉमीज थी अगर ये फेल हो जाती ना तो अपना जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कोलैप्स हो जाता तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने इमरजेंसी मीटिंग की कब की 1998 के अंदर की ठीक है 1998 के अंदर कितने देश थे 22 देश थे ठीक आज तो हम लोग जी ट्वेंटी पढ़ रहे हैं उससे पहले जी ट्वेंटी टू नेशन थे 1998 के अंदर। ये क्या था ये वन टाइम रेस्पॉन्स के लिए था एक सिर्फ एक बार एक भयंकर क्राइसिस आ गया था उसको सॉल्व करने के लिए मीटिंग थी फिर बाद में क्या हुआ 1999 के अंदर दो और मीटिंग्स हुई उसमें और कंट्री शामिल हो गई देखिए जी ट्वेंटी और ये क्यों हुआ ये मीटिंग्स क्यों हुई ग्लोबल इकोनॉमी में रिफॉर्म्स के लिए और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म के लिए ये मीटिंग्स हुई ओके यहां तक ग्लोबल लीडर्स को पता चल गया था कि भाई हम लोगों को इस तरह का एक फोरम चाहिए एक भूमिका बननी स्टार्ट हो गई थी फिर क्या हुआ 1999 के अंदर लेट 1990 के अंदर G20 ने एक इनफॉर्मल फोरम फाउंड किया और उसको नाम दिया फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नर्स मतलब उस फोरम के अंदर कौन-कौन कौन-कौन मीटिंग -कौन करेंगे फाइनेंशियल मिनिस्टर्स करेंगे और जो भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है वो मीटिंग करेंगे और वो क्या कम मिलेंगे वो एनुअली मिलेंगे ठीक है एन वाली वो हर साल मिलेंगे ये डिसाइड हुआ 1999 के अंदर और इसी को माना जाता है कि जो अपना जी ट्वेंटी है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था 1999 1999 में इसका संस्था जो संस्था हुई थी स्थापना जिसको बोलते हैं वो हो गई थी अब सबसे पहली जो अपनी G20 की मीटिंग्स ही हो रही हैं अभी तक आप नोटिस कर रहे हो 1997, 1998, 1999 सेवन तक सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं और ये मीटिंग्स कब तक हुई हुई 2008 तक ये मीटिंग्स ठीक है मीटिंग्सौ निन्यानवे से लेकर 2008 तक जी ट्वेंटी विदाउट पब्लिक है। आज इतना ज्यादा हाइप हो रहा है इतने लोग आ रहे हैं इतना मीडिया कवरेज है इतने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है पहले यह सब नहीं था 2008 से पहले जो जी ट्वेंटी था वो पब्लिक आईज में नहीं था अपना चुपचाप काम करता था पर 2008 में वापस ग्रेट डिप्रेशन आ गया फाइनेंशियल आ गया उसको कहा जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या बोला जाता है ग्लोबल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और ये क्यों हुआ था ये अपने यूएसए की वजह से हुआ था कि वहां पर जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उनको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा था वो अपने मनमाने हिसाब से काम कर रही थी और जो है बैंकों द्वारा मोर्टगेज लोन्स है वो दिए जा रहे थे बेड लोन्स बढ़ते हुए जा रहे थे तो वो एक बबल था ना वो बस्ट हो गया 2008 में आकर और इसकी वजह से पूरे दुनिया के जो मार्केट्स हैं वो डाउन हुए और इकोनॉमीज जो है वो एक तरह से ध्वस्त हो गई ठीक है हमारे इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा पर हमारे इंडिया के अंदर स्ट्रांग लीडरशिप थी उस टाइम मनमोहन सिंह थे जो कि 1991 में भी हम लोगों को वहां से उभारा था उन्होंने और 2008 हजार के फाइनेंशियल क्राइसिस को से भी हमारे इंडिया को निकाला था उन्होंने और उसके बाद में जो ग्रोथ स्टोरी आपको पता है 2004 से लेकर 2011 हजार तक हम लोगों की जीडीपी है वो बहुत लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग बढ़ रही थी हम लोग तो 2008 का हमारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा पर पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमीज थी उनके ऊपर फर्क पड़ा अब इससे और ज्यादा डर गई फिर मान में क्या हुआ कि लीडर्स ने सोचा कि नहीं ये मीटिंग वीटिंग से काम नहीं चलेगा अब हमको सबमिट सकने पड़ेंगे हर साल लीडर्स मिलेंगे आप समझ रहे हो पहले सिर्फ फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और कौन मिल रहा था जो है सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिल रहे थे अब अब कौन मिलेगा अब मिलेंगे लीडर्स तो इसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई ओके पहला समिट कहां हुआ पहला समिट हुआ 2008 के अंदर कहा हुआ वॉशिंगटन डीसी के अंदर वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर हुआ वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए वहां पर इसका सबमिट हुआ जी ट्वेंटी को कोई सेक्रेटरिएट नहीं है बिकॉज हर साल इसकी प्रेजिडेंसी बदलती है हर साल कोई और कंट्री इसको होस्ट करता है दैट्स वाई जी ट्वेंटी इज नॉट ए इनफॉर्मल ग्रुप इस इसका कोई सेक्रेटरीट भी नहीं है ठीक है और इसको जो पहला जो समिट था आप देख पा रहे हो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मनमोहन सिंह यहां पर 2008 में वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसको अटेंड किया और इस समिट को नाम दिया गया समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स इन वर्ल्ड इकोनॉमी तो आप खुद समझ जाइए कि जी किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ना अब ये G20 आपको मैंने बताया इनफॉर्मल ग्रुप है फॉर्मल ग्रुप कौन है यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन की तरह जैसे कि इसमें एप्लीकेशन लगानी होती है कि हम ज्वाइन कर लें क्या प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता है इसमें है ना लीव करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर्स हैं तो इनफॉर्मल ग्रुपिंग होने के कारण इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है और परमानेंट सेक्रेटेड भी नहीं है जैसे कि यूनाइटेड नेशन का है ओके okay? क्यों मैंने बताया आपको जी ट्वेंटी की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती रहती है मेंबर्स के अंदर जो भी इसके मेंबर्स हैं वो बारी बारी से अपने टर्न से ले लेते हैं कि मैं इस बार प्रेसिडेंसी होस्ट करूंगा और जो प्रेसिडेंसी होस्ट करता है वो एजेंडा बनाता है वही इसके कार्यशैली के अंदर ऑर्गेनाइजेशन करता है और वही सबमिट करता है तो 2023 में किसके सर पे आया था होस्टिंग का हमारे इंडिया के सर पे आया था इससे पहले जो सबमिट था वो अपना जो दो वाला जो सबमिट है वो अठारहवा सबमिट है और अपने से पहले इंडोनेशिया ने होस्टिंग की थी वो सत्रवा था और अपने से आगे आने वाला जो प्रेसिडेंसी होस्ट करेगा वो करेगा ब्राजील जो कि उन्नीसवा जी ट्वेंटी सबमिट होगा तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप ये देख पा रहे हो भारत मंडपम भारत मंडपम क्या है ये वेन्यू है अपने इंडिया का जहां पर जी ट्वेंटी सबमिट हो रहा है ये देखो पीछे बिल्डिंग है यहां पर वो लोग बैठते हैं बैठेंगे और डिस्कस करेंगे एजेंडा सेट करेंगे वर्क ऑर्गेनाइज करेंगे जो इन डिक्लेरेशन देंगे सोच सारी जो मीटिंग होगी वो भारत मंडपम दिस इज द वेन्यू इन न्यू दिल्ली नियर प्रगति मैदान तो वहां पर ये सब हो रहा है और ये जो प्रेसिडेंसी होती है ये मैंने बताया कि इसको बोलते हैं ट्रायोका ट्रायोका का मतलब होता है प्रेजेंट प्रीवियस और आने वाली प्रेजिडेंसी तो दिसंबर एक दो हजार बाईस में इंडोनेशिया ने क्या किया था इसको होस्ट किया था ठीक है और अब मतलब इंडिया को इंडोनेशिया ने दिसंबर एक दो हजार बाईस में प्रेजिडेंसी दे दी थी और हमारे यहां पर हमारी इंडिया के पास जो प्रेजिडेंसी वो कब तक रहेगी वो रहेगी तीस नवंबर दो हजार तेईस तक ठीक है तो हम लोगों को एक साल के अंदर अंदर ये सब कंडक्ट करना था और हमने अचीव कर भी लिया है बहुत अच्छे से ट्रायो का कौन है आपको मैंने बता दिया इंडोनेशिया अपने से पहले वाला और अपने से बाद जो आएगा वो है ब्राजील ये जी ट्वेंटी इंडोनेशिया का सीन है दिस इज सीन ऑफ इंडोनेशिया इनफॉर्मल जो जी ट्वेंटी इनफॉर्मल है वो तो मैंने बता दिया कि सेक्रेटरिएट नहीं है कोई भी इसलिए इनफॉर्मल है दूसरा रीजन ये है कि जो डिसीजंस होते हैं ना जी ट्वेंटी के द्वारा जो लिए जाते हैं वो डिसीजन ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड नहीं होते ठीक है वो किसके द्वारा होते हैं सपोज कीजिए कोई ट्रेड रिलेटेड कोई हम लोगों ने बात की तो वो डब्ल्यू करेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गे इंप्लीमेंट करेगा अगर हम लोगों ने कोई हेल्थ रिलेटेड कोई बात करनी चाहिए कुछ हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया तो इसको इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी आप समझ पा रहे हो तो इस तरह से ये जो फोरम है ये एजेंडा सेट कर लेगा ज्वाइंट बात बोल देगा इंटेंशन सेट कर देगा ग्लोबल लीडर्स के कि हम लोग चाहते क्या है बेसिकली और अगर सब लोग एग्री कर जाते हैं तो फिर बाद में जो दूसरी संस्था होती है वो उसको इंप्लीमेंट करती है ठीक है फिर है कि जो प्रेसिडेंसी है वो डिटरमाइन कैसे होती है है ना इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है देखिए ये है पांच ग्रुप वन टू थ्री फोर फाइव अपना इंडिया है वो इस ग्रुप में है इंडिया रशिया साउथ अफ्रीका तुर्की और अब क्या हुआ था जैसे इंडोनेशिया इंडोनेशिया पांचवे ग्रुप में है बोला कि आपकी बारी है आप लोग आपस में डिसाइड कर लो इंडिया रशिया साउथ अफ्रीका तुर्की चारों बैठ जाओ और आपस में डिसाइड कर लो कि जो नेक्स्ट होस्टिंग है वो कौन करेगा और इन चारों ये चारों बैठे और ये डिसाइड हुआ कि इंडिया आप होस्ट करोगे ठीक है तो इस तरह से रोटेशन चलता हुआ रहता है अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो कौन सा है नेक्स्ट ग्रुप इज नंबर थ्री ग्रुप अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया अर्जेंटीना ब्राजील मेक्सिको ने डिसाइड कर लिया कि जो नेक्स्ट सबमिट होगा वो ब्राजील आप करोगे ठीक है ये हुआ डिसाइड तो इस तरह से प्रेजिडेंसी रोटेट होती रहती है मेंबर्स के बीच में ये देखिए फोटो है इंडोनेशिया के हेड है हम हमारे जो हेड हैं उनको प्राइम मिनिस्टर को वो सौंप रहे हैं प्रेसिडेंसी कि आप नेक्स्ट समिट होल्ड करोगे अब देखते हैं वर्किंग स्ट्रक्चर की अपने जी ट्वेंटी का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या होता है देखो स्टूडेंट्स तीन ट्रैक्स पे काम करता है फर्स्ट ट्रैक इज फाइनेंशियल ट्रैक क्या है फाइनेंशियल ट्रैक दूसरा है शेरपा ट्रैक शेरपा ट्रैक और तीसरा है एंगेजमेंट ट्रैक्स ये तीन तरह के ट्रैक या फिर ऐसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है जी ट्वेंटी जो पहला है वो है फाइनेंशियल ट्रैक इसमें कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होंगे वो मीटिंग करेंगे हर चार चार महीने में और उनका जो फोकस रहेगा वो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर रहेगा और कितने वर्किंग ग्रुप्स हैं फाइनेंशियल ट्रैक में अभी आठ वर्किंग ग्रुप्स हैं ठीक है अब देखो जो ये सबमिट चल रहा है इसे दो दिन चलेगा नाइन और को मतलब एक तरह से बेसिकली एक ही दिन चलेगा बस वो पर इसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो वो है ये भाई लीडर्स तो सब आ रहे हैं वो अपना हस्ताक्षर करने आ रहे हैं सब कुछ पहले से तय हो गया है आप समझ रहे हो ये सब साल भर से चल रहा है ये ऐसे नहीं की आज आकर लीडर्स बात करने लीडर्स जो पीछे जो काम करने वाले वो तो कर ही रहे हैं साल साल भर से लग रहे हैं टूडे इज द डे ऑफ डिक्लेरेशन कि हाँ आउटपुट क्या निकला ठीक है तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल ट्रैक सेकेंड इज शेरपा ट्रैक शेरपा कौन होते हैं नेपाल के अंदर ये शब्द है कि जो माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं शेरपास उनको कहते हैं जो असिस्ट करता है तो क्या होता है जी ट्वेंटी लीडर्स में 2008 के अंदर जो सबमिट हुआ था उसको किसने हेड किया था शेरपाज ने किया था शेरपाज कौन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट होते हैं एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो हर मीटिंग में नहीं आ सकते हैं तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव छोड़ देते हैं कि आप जहाँ हैंडल करोगे तो शेरपाज इन लोगों को कहते हैं ठीक है ये जो फाइनेंशियल ट्रैक वाले हैं जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं वो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज को फोकस करते हैं वहीं जो शेरपाज होते हैं वो सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को हैंडल करते हैं अंडरस्टूड तो अपने शेरपा कौन है जी ट्वेंटी के द नेम इज अमिताभ कांत। इनका नाम है आप देख पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अमिताभ कांट है वो अपने इंडिया के जी ट्वेंटी के शेरपा हैं शेरपा एक पर्सनल एमिशरी होते हैं किसके लीडर ऑफ ए कंट्री तो प्राइम मिनिस्टर के शेरपा कौन है अमिताभ कांत है जी ट्वेंटी के लिए ठीक है ये जो जाता है ये बंदा अमिताभ जो कांत जो सर हैं ये जो जाते हैं ये हर मीटिंग को जाते हैं हेड करते हैं उसका कंक्लूजन निकालते हैं अब ये भी हर मीटिंग में नहीं जा सकते पता नहीं कितनी मीटिंग्स होती हैं तो ये और ज्यादा किसी रिप्रेजेंटेटिव को एक अपना रोल दे देते हैं एंड दैट रोल इज गिवन टू मिस्टर जे एस इज़ द जे एस मुकुल ऑलराइट और ये जो बन, ये जो पर्सन है इन्होंने छह जी ट्वेंटी समिट्स को हैंडल किया 2008 थाउजेंड एट टू टू ठीक है तो ही इज द जस्टिस मुकुल सॉरी जे एस मुकुल ही इज द फॉर्मल डिप्लोमेट ऑल राइट तो फाइनेंशियल ट्रैक शेरपा ट्रैक एंड थर्ड वन इज एंगेजमेंट ग्रुप्स एंगेजमेंट ग्रुप्स में क्या होता है एंगेजमेंट ग्रुप्स के अंदर सिविल सोसाइटी ठीक है नॉन गवर्नमेंटल जो जो एनजीओ होते हैं वो करते हैं वो क्या करते हैं कि ड्राफ्ट बना के देते हैं जी ट्वेंटी के लीडर्स को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर अभी तक कितने एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं देर आर इलेवन एंगेजमेंट ग्रुप्स ऑल चलो अब है एजेंडा व्हाट इज ऑन जी ट्वेंटी एजेंडा एंड कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी तक देखिए नॉर्मली जब ये समिट कंक्लूड होता है जैसे आप देखना नोटिस करना अभी जो कंक्लूजन होगा तो इसमें ज्वाइंट कम्युनिकेशन एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया जाएगा उसको कहा जाएगा न्यू डेली डिक्लेरेशन और न्यू डेली डिक्लेरेशन क्यों कहा जाएगा बिकॉज इट इज हैपनिंग इन न्यू है ना इसको नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जाएगा ठीक है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरनेशनल कंफ्लिक्स और क्लाइमेट चेंज जैसे कमिटमेंट्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं ओरिजिनली क्या था ओरिजिनली इट वॉज इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप नाउ इट इज इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट एंड चेंज रिलेटेड कमिटमेंट ग्रुप ऑल्सो और इंडिया इंडिया ने अपने आप को ग्लोबल साउथ एडवोकेट बोला है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बोला है ठीक है बैलेंस करना चाहता है अपने इंटरेस्ट वेस्टर्न नेशंस के साथ में और रशिया के साथ में और अपने इंडिया के लिए बहुत परेशानी होने वाली है बिकॉज इंडिया इज फ्रेंड्स विद बोथ हम जो भी वेस्टर्न कंट्रीज आएगा वो हमसे ये पूछेगा कि आप रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो रशिया वाला आएगा वहां पर तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज से प्रॉब्लम होगी तो जो न्यूट्रल रहना है ना बहुत मुश्किल होता है है ना अब जैसे आपको देखो रशिया के प्रे, जो प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन वो आए नहीं और चाइना की जो प्रेसिडेंट है वो भी नहीं आए उन्होंने रशिया को एक तरह से सपोर्ट एक्सटेंड किया है तो उन दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आए हैं ठीक है थीके? जैसे अपने रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है सरजे लावरो और चाइना के जो हैं वो है ली क्वांग ये उन्होंने भेजे हैं और वो आए भी हैं वो उनकी जगह अपने लीडर्स की जगह ये लोग अपने जो है लीडर्स को रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट represent करेंगे जी ट्वेंटी समिट के अंदर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर ठीक है तो अपने जो इंडिया के जी ट्वेंटी शेरपा है अमिताभ कांत उन्होंने कहा है कि थर्टीन मिनिस्टर लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं ठीक है फाइनेंस हेल्थ टूरिज्म एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट सबको कवर किया है और उसके बावजूद भी क्या कि अभी तक मतलब कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू देम ओके अभी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे जब जब मैं वीडियो बना रहा था तभी न्यूज आई है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन एडेप्ट हो चुका है नॉर्मली जो सबमिट्स होते हैं ना वो विदाउट डिक्लेरेशन भी कन, कन्विनेट हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन हो ही नहीं पाता है है का मतलब होता है एक कॉमन डॉक्यूमेंट एक कॉमन जो है पैराग्राफ एक पब्लिश होता है उसमें जो भी लिखा जाता है वो सारे कंट्रीज के द्वारा मान्य होता है उनकी सहमति से वो पब्लिश किया जाता है तो अभी तक तो हुआ नहीं था बट अभी एक न्यूज आई है मोदी जी की तरफ से कि वो डिक्लेरेशन साइन हो चुका है पहले क्यों नहीं हुआ था इतने महीनों तक ड्यू टू दीज थिंग्स रशिया ने ऑब्जेक्शन किया था यूक्रेन वार का मेंशन हो रहा था था उसके अंदर इसलिए ऑब्जेक्ट किया था। और चाइना चाइना ने तो यही कहा था कि हम लोग ये वार वगैरह क्यों लेकर आ रहे हैं हम लोग तो क्या है इकोनॉमिक कॉपोरेशन ग्रुप है ना तो फिर ये वार ये वार वगैरह कहां से आ गया तो चाइना ने भी रिजेक्ट कर दिया तो इन दो कंट्रीज के कारण अभी तक कंस नहीं बन पाया था पर अब बन गया है कौन कौन से कंट्रीज को इनवाइट किया गया है जी ट्वेंटी समिट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगेन मैं रिपीट करता हूं बांग्लादेश इजिप्ट मॉरिशस नेदरलैंड्स नाइजीरिया ओमान सिंगापुर स्पेन एंड यूएई और आप देखो इसमें नोटिस करोगे इन नौ देशों में से सात जो देश हैं वो अपने साउथ एशिया के हैं एक्सेप्ट जैसे नेदरलैंड और स्पेन को छोड़कर ये सारे सारे जो कंट्रीज हैं ये सारे के सारे कंट्रीज साउथ एशिया के हैं ये क्या दर्शाता है कि इंडिया ये चाहता है कि इक्विटेबल और मल्टीपोलर इको इंटरनेशनल सिस्टम बने साउथ एशिया की जो आवाज है वो भी वेस्ट तक पहुंचे और हम लोग एज ए ग्लोबल साउथ एडवोकेट इसको हम लोग प्रोपेंट कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं और दिस शोज ये जो कंट्री हम लोग कोई से भी कंट्री चूज कर सकते थे तो बड़े ही चतुराई से हम लोगों ने इनको चूज किया है इनको इन्वाइट किया है और ये लोग आए भी हैं कौन को किस किस लोगों को इन्वाइट किया ये तो कंट्रीज थे साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वाइट किया गया है तभी तो मैंने बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको कौन आ, मतलब इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा ये सारी चीजें करवा ये सारी सारी ऑर्गेनाइजेशन कराएगी यूएन आईएमएफ वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट ये तो हमेशा पार्टिसिपेट करती है हर साल पार्टिसिपेट करती है हर समिट में करती है तीन नए हैं इस बार कौन से हैं आई एस ए सी डी आर आई और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोशन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये नए इनवाइट किए हैं इंडिया ने इसके अलावा तीन और नए किए हैं वो हैं ये वाले अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी न्यू पार्टनरशिप अफ्रीका डेवलपमेंट ये एजेंसी और, और ये वाले आई एस ए सी डी आर आई और एडीबी ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है और ये जो तीन है आगे वाले ये देखो इसमें क्या आपको क्या दिख रहा है इसमें अफ्रीका को इंपॉर्टेंस दी गई है और अफ्रीका एक आ, मुखर जो है बहुत सपोर्ट कर रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को जी ट्वेंटी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए ठीक है फिर यह कि जो इनविटाइज होते हैं वो सेम रहते हैं क्या पूरे टाइम पे है ना ऐसा कुछ नहीं है जो भी कंट्री जैसे मान लो ब्राजील अगले साल तो ब्राजील अपने हिसाब से कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट कर सकता है वो चाहे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इनवाइट ना करे उसकी मर्जी है ठीक है तो ये जो भी एजेंडा सेट सेट करते हैं उस कंट्री का प्रेसिडेंट उनको इनवाइट भेजता है ठीक है और ये जो इंटरनेशनल जो जो और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उनको इनवाइट क्यों मिलता है सबसे पहली बात तो कि इंप्लीमेंटेशन करेगा कौन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेगा कौन आप लोग बना तो लोगे एजेंडा उसको धरातल पर लाएगा कौन ये लाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाएंगे और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाएंगे ग्लोबल कोऑपरेशन होगा क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है डब्ल्यू एच ओ डब्लू टी ओ आई एल ओ इन आई एम एफ इनकी जो प्रेजेंस है वो कहां है वो सारे पूरी दुनिया में इनका प्रेजेंस है ठीक है और जी ट्वेंटी और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोलेबोरेट करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी जैसे कोरोना महामारी है कोरोना आया था तो इस तरह के जो ग्रुपिंग्स होते हैं वो स्विफ्टली बहुत जल्दी से कोलेबरेट कर सकते हैं कंट्रीज के साथ में जैसे एग्जाम्पल देखो फिलीपींस एंड थाईलैंड है वो मेंबर नहीं है जी ट्वेंटी के But वो आसियान के मेंबर है और अपने इंडिया ने आसियान को इनवाइट भेजा था तो इनडायरेक्टली थाईलैंड और फिलीपींस जो है जी ट्वेंटी के मेंबर्स नहीं होते हुए भी एक तरह से वो अटेंड कर सकते हैं तो दिस इज द स्ट्रेटेजी ईस्ट इंडिया पॉलिसी के तहत हम लोगों ने इन्वाइट किया है आसियान को अब देखते हैं थीम के बारे में जानकारी थीम कैसी है देखो ये है लोगो सॉरी दिस इज द लोगो वसुदेव कुटुंबकम ये है थीम हमारी मोटो क्या है जी का वन 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 फैमिली फ्यूचर ये अपना मोटो है स्लोगन जिसको बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा पूरी धरती मेरा परिवार है जो वसुदेव जो वसुदेव शब्द है वो अपने संस्कृत शब्द महा उपनिषद से लिया गया है ठीक है और इस जो अपने जी ट्वेंटी की जो वेबसाइट है उसमें ये कहा गया है कि ह्यूमन हो एनिमल हो प्लांट हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं सबकी जीवन की वैल्यू करनी है ये अपने इंडिया का क्योंकि सारा धरती अब हमारा परिवार है तो उसमें जो भी इंसान आता है ह्यूमन आता है प्लांट आता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है वो हमारे पृथ्वी का हमारे एक हिस्सा है हमारे जीवन का ठीक है तो अपने इंडिया की ही ये पॉलिसी हो सकती है सिर्फ ये इंडिया ही ऐसा काम कर सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते उसकी भी तो लाइफ की वैल्यू की गई है हमारे इंडिया में तो दिस कैन ओनली हैपन इन इंडिया दैट्स वाई इंडिया है वो एक अलग ही नेशन है यू नो वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ अवर इंडिया जो हम लोग सिटीजन हैं इंडिया के दूसरा दूसरा जो सिस्टम है वो है लाइफ लाइफ इज लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ये अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ़ सुधारना होगा पहला एक ऐसा है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है कि इंडिविजुअल्स को अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाना होगा हमें वाटर कंजर्वेशन करना होगा एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा पोल्यूशन को रिड्यूस करना होगा ठीक है हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको घटाना होगा और इससे क्या होगा ऑटोमेटिकली हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये कहा गया है इस बार की थीम है जी ट्वेंटी की क्लीनर ग्रीनर एंड ब्लूअर फ्यूचर क्लीनर एकदम साफ विदाउट पॉल्यूशन ग्रीनर हरियाली हो चारों तरफ और ब्लूअर का मतलब होता है वाटर जो पानी है वो एकदम साफ हो जाए पीने के लायक हो जाए एक्सेसिबिलिटी सभी कंट्रीज को अवेलेबल हो जाए ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेबसाइट वेबसाइट ये है जब आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जी ट्वेंटी डॉट ओ आर जी डॉट ये जो आई एन ये दिख रहा है आपको ये ऊपर वाली इस पर जाएंगे ना तो आपको इस तरह से विंडो दिखेगी और इसमें सारी इंफॉर्मेशन है वैसे तो इस वीडियो के बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इसको चेक कर सकते हैं और ये वेबसाइट किसने बनाई है टाटा कंसल्टेंसी ने इस वेबसाइट को डिजाइन किया है ओके अब ये जो लोगो है इस लोगों का क्या मतलब है इस लोगों को डिस्क्राइब किया है let's talk about it. एक, government, एक ने प्रेस रिलीज किया है और इस लोगों को को की महत्वता को समझाया है। आप देख पा रहे कि अपने जो इंडिया का flag है, उससे इंस्पायर किया गया है उसमें व्हाइट भी है इसमें ब्लू भी है इसमें सेफ्रॉन भी है और इसमें ग्रीन कलर भी है तो अपना जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है ना उससे ये लोगो लिया गया है ठीक है और जो लोटस है लोटस के अंदर से एक तरह से अर्थ निकल रही है तो लोटस कहां कीचड़ में होता है और कीचड़ में ब्लूम करता है ग्रो करता है तो इसका मोटिव यही है समझाने का कि भैया अपनी अर्थ कितनी भी प्रॉब्लम में हो कितनी भी ज्यादा क्राइसिस में हो बट हमें चैलेंजेस के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना है ग्रोथ करते रहनी है तो दिस लोटस दिस इज द नेशनल फ्लेवर ऑफ इंडिया तो ये जो फ्लावर है ये इसको रिप्रेजेंट करता है लोटस ठीक है ना कीचड़ में होता है एकदम बीच में एंड दैट दैट मड उस मड से ये ब्लूम करता है ठीक है नाउ तो दिस इज अ वेरी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोगो नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जी ट्वेंटी लोगो ये जो जी ट्वेंटी का जो लोगो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो लोटस है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होप इन दिस टाइम ये एक आशा की किरण है ठीक है और किसी भी तरह की एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो लोटस हमेशा खिलता रहेगा ओके okay? ये बोल रहे हैं देखो इवन इफ वर्ल्ड इज इन डीप क्राइसिस वी कैन स्टिल प्रोग्रेस एंड मेक अ वर्ल्ड ए बेटर प्लेस जिस हिसाब से हमारी सिचुएशन चल रही है ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है सीरिया में वॉर है तालिबान हैव टेक टेकन टेकन ओवर अफगानिस्तान यूक्रेन रशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में ओके बहुत ही बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है तो उसमें भी इस तरह का स्टेटमेंट्स दीज आर द अप्रिशिएटिव वर्ड्स एंड वी शुड ऑल अप्रिशिएट द वर्डिंग्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने साथ में ये कहा है कि जो सात पेटल्स हैं लोटस के अंदर वो सात कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं ठीक है और बेसिकली एक जो लोटस के अंदर से जो धरती निकल रही है मतलब दिस इज ब्लूमिंग अंडरस्टूड चलिए जो एजेंडाज हैं फर्स्ट इज आपको मैंने बताया ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ जो लाइफस्टाइल स्टाइल वाला था रेजिलिएंट ग्रोथ कितना भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो वो ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर अपन को काम करते हुए रहना है फिर है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल एक तरह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान जोर दिया गया है एजेंडा यह है मेन फिर है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का इसमें एक तरह से आ, जो है हम लोगों ने एडवोकेसी की है और लास्ट है वुमन लेड डेवलपमेंट कि वुमन जब तक डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं होगी उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे right? फिर है कि ये वेन्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भारत मंडपम ओके okay? ये जो ईयर का सम्मिट है दिस ईयर जी ट्वेंटी सम्मिट कहा होगा भारत मंडपम में होगा ये कहां पर है इंडिया गेट के पास में है रात को इस तरह से ये लाइट अप हो रहा है बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये दिन और वहां पर एक ये जो तो मंडपम है इसके सामने यहां पर एक नटराज की स्टेच्यू लोड शिवा की जो अपनी स्टेच्यू है वो स्टेब्लिश हुई है ठीक है दिस शोज अवर ओल्ड ट्रेडिशन यहां पर पूरा टेक्नोलॉजी है पीछे ले, टेक्नोलॉजी लेस बिल्डिंग है और सामने हमारी हेरिटेज है दिस इज द टेस्टामेंट ऑफ अवर इंडिया एज ओल्ड ट्रेडिशन एज मिस्टर मोदी जी सेड ये सत्ताइस फुट की है डु में बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई कितने कितने टन वजनी है यह है अठारह टन वजनी है और यह सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है अस्त धातु की अष्ट धातु आठ धातु कॉपर जिंक लेड टिन सिल्वर गोल्ड आयरन मर्क्य आठ धातु से मिलकर बनी हुई है अठारह टन की सबसे ऊंची स्टैच्यू है बनी हुई दुनिया की किस किसने बनाया इसको राधा कृष्णन स्थापा ने इसको बनाया है ठीक है कौन से मेथड से बनाया है मेथड है लो लोस्ट वैक्स कास्टिंग के द्वारा सो आर्टिस्ट ने मिलकर इसको बनाया है इतने घंटे लगे हैं इसको बनाने में और लो कास्टिंग जो मेथड होता है वो इस तरह से होता है जो कास्टिंग की जाती है इसमें कोई भी वेल्डिंग नहीं है देखो किसी भी तरह की वेल्डिंग नहीं होती इसी तरह से इस स्टैचू को बनाया गया बट ये तो एप्पल है छोटा सा आप सोचो इतनी बड़ी मूर्ति के लिए कितना ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजिकल चीजें लगी होंगी कितनी मेहनत लगी होगी ये है कुछ अपडेट्स आपके सामने देखिए सिंगापुर के अपने पीएम आए हैं प्रीमियर आए हैं चाइना के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं और अपने देखो साहब बैठे हैं यूएसए के प्रेसिडेंट और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो तीनों पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्होंने ओबामा को भी आ, क्या मतलब होस्ट किया था इंडियन सॉइल पर ट्रंप को भी किया, ट्रंप साहब को भी किया था और बाइडन सर को भी किया था ठीक है तो ये एक फैक्ट है जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस ये देखिए डब्ल्यू एच ओ के डायरेक्टर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के तीनों यहां पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है तो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो भी लोग यहां पर आए हुए हैं डिग्नेटरी ठीक है और उन्होंने लास्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो सबमिट होगा जी ट्वेंटी सबमिट होगा वो इंडिया का इंडिया सबसे पहला हम लोगों का सबसे पहला सबमिट होगा जो होस्ट किया है और ये कौन सा कौन से नंबर का सबमिट है एटीन नंबर का है ठीक है ओके तो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय नरेंद्र मोदी जी यस्टरडे और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो तीन अपडेट हैं कि मोदी जी ने अनाउंस किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने के लिए पिछली बार हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट में सोलर अलायंस बनाया था इस बार क्या अलायंस बनाने की बातें कर रहे हैं प्रोपोज किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अनाउंस उन्होंने किया है दूसरा उन्होंने किया है कि जी ट्वेंटी सेटेलाइट मिशन जी ट्वेंटी सेटेलाइट मिशन ये प्रोपोज किया है और वो अनाउंस किया है ये प्रोपोज किया है और तीसरी जो न्यूज है वो है कि उन्होंने डिक्लेरेशन हम लोग पहुंच चुके हैं जी ट्वेंटी नेशन है रीच कॉन्सेंसन ऑफ डेली डिक्लेरेशन तो दिस इज ए वेरी गुड न्यूज और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही इसका अनाउंसमेंट किया है ओके तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन द जी ट्वेंटी आपको कैसा लगा आई होप मैंने खूब इसमें किया है टाइम आपके लिए इन्वेस्ट किया है सारे आ, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उनको लाने की कोशिश की है तो इफ यू लाइक दिस वीडियो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए जी ट्वेंटी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए ठीक है तो टेक केयर बाय बाय सी इन द नेक्स्ट वन